Hello my dear students and my dear friends, welcome back once again. Dear students, आज सबसे ज़्यादा जो questions आ रहे हैं वो CSC के बारे में आ रहे हैं, Common Service Center सचिव. सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि CSC क्या है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि आधार कार्ड आपका जो है फिर से आपको मिलेगा और आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, आप महीने महीने जो है लाखों लाखों कमा सकते हैं, तमाम तरह की इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. लेकिन डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट के स्कीम किस तरीके से होती है. और सबसे आसान तरीका है, आप उनकी पोर्टल पर जाएँ और जो भी अपडेट्स हैं उसको आप देखें, आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी. कॉमन सर्विस सेंटर जिसे CSC कहा जा रहा है, ये भारत सरकार का एक उपक्रम है, भारत सरकार की, इंडिया गवर्नमेंट की, और इंडिया गवर्नमेंट इसमें तमाम तरह की सुविधाएं देती हैं. और ये डिजिटल इंडिया, पहले जो है डिजिटल इंडिया का जो शुरुआत हुआ था उसी को कन्वर्ट करके ये कॉमन सर्विस सेंटर SACHAI के नाम से चलाया गया. ये जो है CSC इंडिया लिमिटेड, ये एक तरह की आपकी जो है लिमिटेड है, लिमिटेड कंपनी गवर्नमेंट की बनाई गई है. इसमें आपको जो सर्विसेज मिलते हैं, ये सर्विसेज आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं आपको, गवर्नमेंट टू सिटीजन, बिजनेस टू सिटीजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड सेफ्टी सर्विसेज, डिजिटल सान, ये तमाम तरह के आपकी मिलते हैं. और सबसे ज़्यादा ये काम भी हुआ और फायदेमंद भी लोगों के लिए साबित हुआ. जैसे कि मान लीजिए कि आप पैन कार्ड बनाना, GST का रजिस्ट्रेशन करना, GST ITR दाखिल करना, पैन कार्ड बनाना, ये तमाम तरह के जो वर्क्स हैं, इसके साथ साथ एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, ये तमाम तरह की सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं. और आप कम पैसे में, और एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट, कम पैसे तो नहीं बोलेंगे, मिनिमम इस इन्वेस्टमेंट में आप इसको शुरुआत कर सकते हैं. रहा सवाल आधार कार्ड का, जी हाँ, आधार कार्ड तो गवर्नमेंट देने के लिए उसने बोला है कि सबको देंगे. विगत कुछ दिनों की बात हम करें, पहले की बात करें, तो पहले ये क्या था कि पहले आधार कार्ड जिनका भी CSC था उनको दे दिया गया था और वो अपना आधार कार्ड बना सकते थे. लेकिन बाद में इसे हटा करके बैंकों को सुपुर्द किया दिया गया और बैंक में आधार कार्ड बनने लगे, जिसके वजह से भारी भीड़ का सामना करना पड़ रहा है. गवर्नमेंट ने देखा कि ये सारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, इस समस्या से निजात पाना चाहिए. तो उसने जो है CSC सेंटर को फिर दोबारा देने की बात करी, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स कंडीशन इन्होंने लगा दिया. अब वो टर्म्स कंडीशन क्या लगा दिए, अब इनकी जितनी भी मतलब योजनाएं चलती हैं, जो सुविधाएं दे रहे हैं, उनमें से बहुत सी चीज़ें जो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट किसी पोर्टल पे जा करके, जैसे पैन की बात मैं ले लेता हूं, तो पैन कार्ड की सुविधा जो है आप यहां से भी बना सकते हैं और डायरेक्ट जाकर वेबसाइट से भी बना सकते हैं. और उसके बाद से और भी इनका जो है दिशा है और तमाम तरह की चीज़ें हैं. एजुकेशन सेक्टर का है, एजुकेशन जो आपको पसंद नहीं भी है, कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को नहीं है. अब यहाँ देखिए, ये है NDLM दिशा है, तो दिशा है एक तरह की, इसी तरह से बढ़ाया गया कदम है. यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अंडर जो आता है आपका जो है, ये मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, तो इसमें भी आपका योगदान होना चाहिए. कहने का मतलब कि आधार कार्ड का सेंटर देने के लिए इन्होंने कुछ ऐसे तमाम तरह के प्रोटेक्शन लगा दिए, ये बना दिया इन्होंने कि अगर ये करते हैं तभी आपको मिलेगा. जैसे मान लीजिए कि आपने NDLM दिशा, इसमें अगर आपने काम नहीं किया तो आपको आधार कार्ड नहीं मिलेगा. साइबर ग्राम योजना में काम नहीं किया, इनका कुछ लिमिट कर दिया है कि इतने बिजनेस आपको देने ही देने हैं. नाबार्ड फाइनेंशियल लिटरेसी है, इस तरह से तमाम तरह के अदर एजुकेशन कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज को आप ले नहीं चला. जैसे मान लीजिए कि एनिलीट है, टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन फीस, ये सब तमाम तरह की चीज़ें, अगर ये आप नहीं करेंगे तो आपको आधार कार्ड नहीं मिलेगा. कहने के लिए तो इन्होंने, गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम आपको आधार देंगे, आधार सेंटर देंगे, लेकिन उसको बहुत ही कठिन बना दिया है. डियर स्टूडेंट्स एंड माई डियर फ्रेंड्स, एक बात और बताना चाहूँगा, यह बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि केवल CSC सेंटर चला करके आपका गुजारा हो सकता है. आपका बिल्कुल मतलब एक, चलिए एक बैठने का जरिया आपको बन जाएगा. अगर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास तो चलो ठीक है, लेकिन इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. बहुत जल्दी आप इसमें, जैसे बताया जा रहा है कि 2 लाख 4 लाख 5 लाख आप कमा लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं होता है. तो आप सच्चाई में रहें और इस हिसाब से देखें. तो आधार सेंटर लेने के लिए चाहे तमाम कोई भी ले सकता है, इजी वे में आप रजिस्ट्रेशन इसका कर सकते हैं, कोई इसके चार्जेज नहीं होते हैं.
आप बहुत आसानी से आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद से आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाता है, आप कुछ काम कर सकते हैं। हाँ, अगर साइड में बिजनेस करना चाहते हैं, पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन इसमें भी इनके कुछ टर्म्स कंडीशंस आ गए हैं कि आपको जो है इतने दिन तक बैठना ही बैठना है। कुछ लालच दे रहे हैं कि IRCTC, ये तमाम तरह की सुविधाएं, लेकिन वो सब एक दिखावा है, सब एक छलावा है। देखने में बड़ा, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं है। उम्मीद है कि आपको आपके सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि CSE का रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा और आप उस चीज़ को कर सकते हैं। ये पार्ट टाइम अगर आप काम करते हैं तो कुछ पैसे तो जरूर आपको मिल जाएंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्या इन्वेस्टमेंट होगा आपका और क्या खर्चे आएंगे, किस तरीके से होंगे और कैसे इसको आप गवर्न कर सकते हैं, संचालित कर सकते हैं। इसी के साथ ही आप सभी से इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।